प्रेम थी ना नाम सबसे पहले बताइए कि जिस तरह का फिल्म का नाम है क्या फिल्म भी उसी तरह की है? बिल्कुल, जैसे मूवी का नाम है आया दबंग दरोगा, तो मूवी भी कुछ वैसी है, कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है और काफ़ी अच्छी कोशिश है हमारे प्रोड्यूसर की जिनका नाम रसीला जी है। और मूवी जब आएगी तो अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा फ्लेवर है इसमें। एंड प्लस बात उसमें एक ये है कि रसीला जी को काफ़ी नॉलेज है म्यूज़िक का, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले से काफ़ी सारे एल्बम्स किए हैं, तो वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आया है। और जैसे कहा जाता है भोजपुरी में, मूवी में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, एक तो फाइट और म्यूज़िक। तो नो डाउट हमारी आया दबंग दरोगा का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, गाने ऐसे हैं कि सभी लोग बजाएंगे और सुनेंगे। जिस तरह से प्रोड्यूसर का नाम है रसीला जी, उसी रसीलेपन से पैसा खर्च कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक प्रोड्यूसर कभी भी बहुत मन से पैसा खर्चा नहीं करता है, बट मैं ये कहना चाहूँगी, उन्होंने एल्बम बनाते थे एंड फर्स्ट टाइम वो मूवी बना रहे हैं, तो कोई कमी नहीं रख रहे हैं। उनकी जितनी कोशिश है, उनकी जितनी कैपेसिटी है, उसमें वो अपना हाथ रोक नहीं रहे, वो कर रहे हैं। मैम, आपके अगर किरदार की बात करें तो बड़े अलग किरदार की है आपने, कितना डिफरेंट होगा, कितना पावरफुल किरदार होगा? बहुत ही जॉली है, और जब वो अपने में रहती है लड़की, तो बहुत बिंदास रहती है, और एक पॉइंट पे जब घर में पहुंचती है तो उसे ये एहसास होता है कि कोई अपना होना चाहिए। इस मूवी में मेरा किरदार है चूड़ी बेचने वाली का, बिंदास चूड़ी पूरे गांव भर में घूम घूम के बेचती रहती हूँ, और घर पहुँचती हूँ तो मेरी सौतेली मौसी है जो मुझे बहुत मारती है, डांटती है, सब चीज़ें हैं। तो जब भी ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, जी लेती हूँ, फिर आके घर में मार खाती हूँ। तो वेरिएशंस है मेरे कैरेक्टर में। किस तरह का तालमेल रहेगा दबंग दरोगा के बीच में? तालमेल, क्योंकि मैंने बोला मेरा कैरेक्टर बिंदास है, तो ऑब्वियसली मैं ही उन फ्लर्ट करती हूँ दबंग दरोगा के साथ में। चलो यही फंस जाए तो कम से कम मेरा ख्याल रखेगा, तो पूरी कोशिश करती हूँ रिझाने की दबंग दरोगा को, एंड उनको फिर मुझसे प्यार हो जाता है। USP की बात करें तो अंजना सिंह, एंड ऑब्वियसली मेरे को आर्टिस्ट हैं जो वो, और अविनाश जी जिनका नाम है, और हमारे प्रोड्यूसर एंड हमारी पूरी टीम। म्यूजिक आज की तारीख में बहुत बड़ा महत्व रखता है, 50% की जीत म्यूजिक कितनी मिल जाती है, तो किस किस डायरेक्शन के और कितने लाइक करती हैं आप फोन? जैसे मैंने अभी तक जो भी गाने हमारे पे पिक्चराइज हुए हैं और जो काफ़ी होने वाले हैं, म्यूज़िक को हिट भोजपुरी में तभी माना जाता है जब पान की दुकान पे और शादियों में गाने बजे पिक्चरों के, तो इस मूवी में वैसे ही गाने हैं। फिल्म का ओवरऑल एक सिस्टम होता है जो आज की ऑडियंस बहुत कम, मुश्किल से थोड़ा सा कम देखने जाती है, तो कितनी हटके होगी, क्योंकि ऑडियंस का मद्देनजर भी आना चाहिए कि आप इस फिल्म को देखनी चाहिए। फुल एंटरटेनमेंट मूवी है हमारी, विथ गुड म्यूजिक एंड गुड सॉन्ग्स एंड विथ गुड स्टोरी, तो ऑब्वियसली देखने जाएगी मूवी, ऑडियंस देखने जाएगी। और इसमें वल्गैरिटी की बात करें, जो आप पॉइंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से है, और हमने इंटरटेनमेंट के लिए जो भी थोड़ा सा ओपन किया है, दैट्स इट, उसको किसी गंदे तरीके से पिक्चराइज नहीं किया गया है, ये बहुत प्लस पॉइंट है हमारी मूवी में। और सब मिलके बहुत मेहनत से ये मूवी बना रहे हैं, तो सबका सबकी तरफ से विशेष हैं कि हमारी ये मूवी बहुत अच्छी जाए। हम तो अपन जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इतना प्यार अभी तक दिया है मुझे, और आया दबंग दरोगा बहुत मेहनत से पिक्चर बन रही है, बहुत मन से बन रही है, आप लोग जैसा गाना चाहते हैं, जैसा फाइट चाहते हैं, वैसा सब है इस पिक्चर में, और अपना अंजना सिंह तो एक अलग अंदाज में है, तो ज़रूर देखिएगा और अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू। चलिए सर, सबसे पहले बताइए चार
जिम्मेदारियां आपने दो शोल्डर पे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी तक किस तरह की जिम्मेदारी अदा की है? जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है सर के ऊपर, और लोगों को इतनी बड़ी टीम लेकर के 70 से 75 की यूनिट हमारी, और हीरो हीरोइन सारे लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं हमें, और हमारा स्वभाव ही रसीला है तो हमारी बातों से लोग प्रभावित होते हैं, और हमारी मूवी का नाम है आया दबंग दरोगा, तो स्टोरी भी हमारी जो लोग सुने हमारे आर्टिस्ट सुने हैं वो भी इसलिए कोऑपरेट करें, बहुत अच्छी स्टोरी भी है, और हमारे गाने जो है ना आज के ही माहौल के हैं जो लोगों को पसंद आए, और खुद सिंगर हूँ राम सूरत रसीला सिंगर नाम है मेरा, और मैंने भी दो गाने गाए हैं और मार्केट के लोग सारे लोग गाए हैं, तो उसको लेकर के हम इसलिए मेहनत करें लोगों को पसंद आए, और पसंद की चीज़ हमने कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है कि लोगों को पसंद आए, और यही चाहत है मेरी, अब लोग की क्या चाहत है वो तो जब जाएगा मार्केट में, लोगों को पसंद आने के लिए मैंने बनाया, और स्टोरी मेरी बहुत बढ़िया है, हटके है, आज जो सब बना रहे हैं ना उनसे हटके है, हीरो के दो लीड है, एक डुप्लीकेट भोजपुरी में बहुत कम ऐसा है, लेकिन मैंने बनाया है, हटके बनाया है स्टोरी, तो चल रहा है, अप्रैल तक रिलीजिंग का विचार है, अप्रैल में इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे सारे आर्टिस्ट और मैं पूरी टीम मेहनत कर रहे हैं कि अप्रैल में रिलीजिंग हो जाए। बात करें अब म्यूजिक की, हाँ दिल से मैं 10 साल से मेरी शिवदेव फिल्म्स एंड म्यूजिक कंपनी थी मेरी खुद की, पहले बहुत परिश्रम किया, लोगों के पास गया, वो लोग रिलीजिंग के लिए आया था मेरा उड़ जाएगा हंस अकेला और सब, मैंने 40 एल्बम बनाया और रिलीज भी खुद किया, कमाया भी किसी में थोड़ा बहुत नहीं कमाया, लेकिन एक आया था होली में भौजी लाली पॉप मांगे ली, एक महीना 9 दिन में मैंने 15 लाख रुपया कमाया था, होली का था, बहुत अच्छा था, लोगों को बहुत पसंद आया, और उसी से मनोबल बढ़ा कि भाई और भी करना चाहिए कुछ, लोगों के बीच में अच्छी चीज़ दें, तो वही सोच करके मैंने ये आया दबंग दरोगा का नाम रखा फिल्म का, और स्टोरी लिखवाई, सारी चीज़ें करके आज चल रही है शूटिंग, और लगभग 90% कंप्लीट हो चुकी है, हाइट क्लाइमेक्स चल रहा है अभी, कल से चालू हो जाएगा, तो 4-6 दिन में हमारा शूटिंग खलास हो जाएगी। डायरेक्शन की अगर बात करें, हाँ तो जिम्मेदारी भी अब आपकी कर लो, देखिए माँ बाप भाई बहन भौजाई गांव के ठाकुर गरीब अमीर उसमें उस माहौल में पला हूँ, ठीक है, अब मेरे पास इतने बजट नहीं थे कि मैं मार्केट के डायरेक्टर को लूँ, मेरे अंदर ये रहा भाई चलो वो चीज़ को सारी चीज़ को तो मैं देखती ना, आज 42 की उम्र हो गई है तो सारी चीज़ देखते हुए सब चीज़ देखते हुए हमने कहा चलो खुद का है मैं करके दिखाऊं करूं, तो इसलिए हमारे अंदर दिल में था कि 40 एल्बम बनाया है तो लोगों को पसंद आया है तो एक फिल्म भी बना करके मार्केट में हम देते हैं, तो इसीलिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर राम सूरत रसीला जी कोशिश कर रहा है, अब जनता और हमारी पब्लिक क्या करेगी वो तो उनके ऊपर है। दो लाइनें हो जाए इसी रसीले अंदाज में गाने का, एक है डीजे है और उस गाने को मैंने गाया है, सेक्सी बना के फैशन लड़कन के दे लू टेंशन बॉडी में सारा फिक्शन लागे लू हाई इंजेक्शन बोले लकुकुड़ू को चोली में मुर्गा बोले लकुकुड़ू को हो चोली में मुर्गा, इस अंदाज से मैंने गाया है, तो अब देखो पब्लिक क्या करती है, हम तो अच्छा सोच करके बनाए हैं, अच्छा लगेगा हमको 100% भरोसा है, तो सरकार की तरह कभी भी मिनिस्टर की तरह चारों ओहदे आपने अपने पास रखे तो सरकार चलाने की जिम्मेदारी अब आपकी है, फिल्म को कब तक बॉक्स ऑफिस पे लेके जाना है? अप्रैल तक रिलीजिंग है, 15 तारीख तक कोशिश भरपूर है। थैंक यू सर, बोले अपनी कहानी अपनी जुबान से सुना दो भाई, क्या किरदार कर रहे हो? सबसे पहले मैं अपने सारे भोजपुरी दर्शकों को दिल से प्रणाम करता हूं, और इस फिल्म में मेरा एक
विलन का रोल है, जो कि गांव का ठाकुर है और दबंग है और पूरे गांव पे मतलब कहर ढाए हुए है। मतलब एक खूंखार रोल में कर रहा हूँ, जो कि हीरा जी का छोटा भाई हूँ मैं। मेरे करेक्टर का नाम है बलवंत सिंह। फिल्म अगर आया दबंग दरोगा जी, दबंग दरोगा की कहानी है और आपका किरदार जो है कुछ अलग है, मतलब पुलिस का पोजीट है जी। तो इसमें एक इंस्पेक्टर है हमारे लूटन सिंह, जो कि हमारे ग्रुप से पूरा एकदम कंबाइन है और हमारे पूरा मतलब पुलिस चौकी का कार्यभार हमने उनको सौंप दिया है, रिश्वत लेना देना। और फिल्म काफ़ी अच्छी है, पारिवारिक फिल्म है, एक्शन मूवी है और पब्लिक को काफ़ी अच्छी लगेगी। अपने किरदार को कितना हिट के मानते? काफ़ी चैलेंजिंग किरदार है मेरा और काफ़ी सारे फाइट्स हैं मेरे, 3 आइटम सॉन्ग है मेरे, मतलब एकदम चैलेंजिंग घूम क्या है। बड़े भाई का रोल प्ले कर रहे हैं हीरा यादव, जो कि घर से ऑर्डर कर रहे हैं, बाकी तहस नहस रेप हत्या बलात्कार सब मैं कर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी ऑडियंस को हमारा प्ले अच्छा लगे और मैं पूरी कोशिश करता भी हूँ उसके लिए। मुझे जो करना होता मैं करता हूँ, मैं काम में कंप्रोमाइज नहीं करता। थैंक्स 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 फॉर ऑल। अपना धंधा हाथ में रखेंगे। हाँ पूरा व्हाट्सएप है बोलिए। लूटन सिंह जी जरा बताइए कितनों को लूटा अभी तक लिंकन का? हाँ सर बोलिए। नमस्कार सर। कितनों को लूटा है आपने अभी तक फिल्म में? सर अभी ये फिल्म में तो करीब करीब सबको ही लूट रहा हूँ, गांव का गांव लूट रहा हूँ। और आज का जो समय चल रहा है लूटने का, वही हिसाब से लूटपाट का ये फिल्म है। बहुत बढ़िया है और सही विषय पे पिक्चर बनी है। आज कैसे करप्शन होता है इंडस्ट्री में, जैसे लोग परेशान हैं, आम आदमी आम जनता परेशान है और यहाँ पे सब मौज ले रहे हैं, उसी हिसाब से ये फिल्म है। और बहुत बढ़िया कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, दबंग दरोगा आया दबंग दरोगा, रसीला जी का है और अविनाश जी इसमें दबंग दरोगा जी बने हैं और मैं बना हूँ लूटन सिंह, मैं जितेंद्र शुक्ला। आप भोजपुरी भाई और बहनों से बस एक ही निवेदन है कि सब फिल्म देखो, बहुत बढ़िया है और आपको बहुत इंजॉय हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। सर शपथ हमने ली है लेकिन ये दिखाना कुछ चाहते हैं, इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है कि आज कैसे चल रहा है, आज का माहौल क्या है, माहौल के हिसाब से ये सब हो रहा है। आप साथ किसका दे रहे हैं, मतलब वर्दी वालों? हम इसमें वर्दी वालों का साथ नहीं दे रहे हैं सर, हम गुंडे जो यहाँ के हैं, स्थानीय गुंडे हैं, कुछ बाहरी गुंडे हैं, सबका सपोर्ट कर रहा हूँ मैं और हमें पैसा मिल रहा है और हम इंजॉय कर रहे हैं, यही हमारा यहाँ इसमें काम है। जो चल रहा है वही कर रहा हूँ, आज के युग में जो चल रहा है वही करना चाह रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। ओके थैंक यू नमस्कार। चले चले आप पूछेंगे तो मैं। सर अपनी कहानी अपनी जुबानी बता दिए, क्या क्या किस लिहाज से जुड़े हुए हैं, किस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं? ये जो हम राइटर हैं और ये हमारी कहानी जो है, जैसे नाम है आया दबंग दरोगा, वैसे जब स्क्रीन पे आएगी तो लोग हकीकत में बोलेंगे कि आया दबंग दरोगा। ये जो है एक तरह से फैमिली है, ट्रेजडी है, एक्शन फिल्म है और इस फिल्म में जितने लोग जुड़े हुए हैं टीम के, सब लोग जो है समझ लीजिए दिल से नहीं, दिल से और दिमाग दोनों से काम कर रहे हैं। आपकी नज़रों में फिल्म का ग्राफ क्या है, कितनी पावरफुल रहेगी? अब मेरे हिसाब से तो 100 होना चाहिए सर। तो उस तरीके उस हिसाब से फिल्म की जो पब्लिसिटी है या जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है या उसको कितना मद्देनजर रखते हो फिल्म को तैयार करने में? सर जो है आप लोग तो खुद ही जो है इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, जितनी पब्लिसिटी आप लोग करेंगे वो हमारे लिए प्लस रहेगा और डिस्ट्रीब्यूट के लिए तो हम सोचते हैं कि माता जी ऐसा करें, ऑल इंडिया क्या भोजपुरी विदेशों तक है, हमारी मूवी भी विदेशों तक जाए और जिस दिन विदेशों तक जाएगी उस दिन हम आपका मुंह मीठा करेंगे, क्योंकि पब्लिसिटी तो आप कर रहे हैं। राइटिंग की
कितनी जबरदस्त पकड़ रही है फिल्म के ऊपर अब तक? अभी तक तो मेरे हिसाब से भरपूर 100% पकड़ रही है। अंजना सिंह जैसे स्टार हैं और आपके जो मेन लीड स्टार हैं, अभी तक किस तरह की केमिस्ट्री रही है उन लोगों के बीच में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे हिसाब से दोनों की अच्छी ट्यूनिंग चल रही है, जिसमें अंजना सिंह और अविनाश का तो जोड़ नहीं है, फिर तीसरा करेक्टर हमारे जो हीरा यादव जी है, बबलू जी है और जीतू शुक्ला जी है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रोड्यूसर एज डायरेक्टर, मैंने बहुत से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देखा और इतना गंभीर और सहनशील वाला प्रोड्यूसर नहीं देखा, डायरेक्टर भी नहीं देखा, जबकि हमारी 3-4 मूवी अभी फ्लोर पर जाने वाली है, लेकिन जितने लोग मिले उसमें से सबसे अच्छे। वेलकम सर। बाद में अपन ले लेंगे। हाँ सभी हटे चीज है ना। गांधी जी को मैं बता पूरा कचरा हो गए। इज्जत में कचरा? हाँ।
किलोमीटर पलट में कचरा सुन ले रानी जी करा चुप रे कहां से घुस को अरे हो जा ए अरे पड़ जा चुप करा तू तो दरोगा साहब आप ही बताइए कि ये दुनिया में औरत के सबसे प्यारा चीज का होला इज्जत इज्जत
दबंग दरोगा एक सामाजिक फिल्म है और इसमें हर फिल्म में कुछ ना कुछ संदेश होता है, होना भी चाहिए। इसमें भी है कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज में क्या होना चाहिए, और जो गरीबों पर अत्याचार हो रही है उसको मिटाना बहुत ज़रूरी है। कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, अमीर गरीब तो एक अलग तरह की चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। तो उस पर फिल्म है, और जो फिल्म में मिर्च मसाला होता है वो है इसमें। आपके किरदार की अगर बात करें तो कितना पावरफुल है दबंग दरोगा एक टाइटल से? ये दरोगा एक किरदार जो हमारा है भोला यादव का, एक ठाकुर के गिरफ्त में एक गाँव है जहाँ पे उसकी पूरी हुकूमत चलती है। स्कूल रहते हुए भी वहाँ पे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वहाँ के मजदूरों को मजदूरी उनके हिसाब से पूरा उनका वर्चस्व वहाँ पे है। उस वर्चस्व को मिटाने के लिए एक दरोगा आता है और पूरा खोजबीन करता है और उनके खिलाफ सबूत जुटाता है और उनके साम्राज्य को मिटाता है और उनको आज़ादी दिलाता है गरीबों को। हर तरह का है, चुलबुल भी है, सीरियस है, जैसा मूड है वैसा काम है। ये आंखें चार कब होती हैं फिल्म के अंदर आपके साथ? ये अंजना सिंह जो है मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, पर मैं प्यार पे ध्यान नहीं देता हूँ, सिर्फ ये अपने काम पे। लेकिन एक टाइम आता है जिसमें हम दोनों की आंखें चार हो जाती है और एक दूसरे के दिल में
घर बना लेते हैं। आप ही की गवर्नमेंट के अंदर घोटाला हो रहा है? नहीं, हमारे गवर्नमेंट के अंदर घोटाला नहीं हो रहा है। ये रतन सिंह करके, ये खाकी है, खादी के अंदर हो रहा है। हाँ हाँ, वो क्या है कि हर समाज में हर जगह करप्ट और अच्छे इंसान होते हैं, तो ये भी बड़े करप्ट इंसान है, लेकिन ये करप्ट है तो उसकी सजा इनको मिलती है। और फिर गाने की अगर बात करें तो 50% जीत जब भी हो जाती है, म्यूजिक हिट होता है, कितना लाइक कर रहा है इस वक्त? इस फिल्म के सारे गाने हिट हैं और अच्छे हैं, फिल्म में वल्गैरिटी नहीं है और सुनने वाले गाने हैं, घर में ही सुन सकते हैं, पान के दुकान पे, चाय पे की दुकान पे नहीं सुन सकते, घर में सुन सकते हैं। और फोक सॉन्ग है। अच्छा, एक ही बंदे ने चार डिपार्टमेंट को अपने कंधे पे ले रखा है, रसीला जी। हाँ, रसीला जी की महानता है, मेहनत कर रहे हैं, देख नहीं रहे, भागा भागी कर रहे हैं, ये वो जैसे सब कर रहे हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के बाद आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? इस प्रोजेक्ट के बाद मेरा रसीला जी की दो फिल्म है, दहाड़, उसके बाद है उनका फिल्म ये दहाड़ और बगावत की जंग, हमारी कंप्लीट फिल्म है, दिल दीवाना माने ना खिलाफ, मितवा जन्म जन्म के, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, जागीर का बंटवारा, सब आने वाली फिल्म। ऑडियंस से क्या कहना चाहिए, क्यों देखने जाएं भाई आया दबंग दरोगा, क्या खासियत होगी उस फिल्म को? जरूर देखें ऑडियंस, हमारे भोजपुरिया समाज जरूर देखें, उनको उस फिल्म से एक नई कहानी मिलेगी और सीख मिलेगा। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है और वो जब हम फिल्म बनाते हैं तो उस चीज़ को उजागर करते हैं और जब देखते हैं तो रियलाइज होती है कि हाँ यार, ये हम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे हर भोजपुरी समाज के अंदर एक दबंग दरोगा हो और ज़रूर देखें, अपना प्यार बरकरार रखें ताकि हम अच्छी से अच्छी फिल्में बनाकर आपके सामने ला सकें, जो हमारा समाज, माँ बहन भाई सब एक साथ बैठ कर देखें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार, अरविंद कुमार महतो मेरा नाम है और मैंने इस आया दबंग दरोगा पिक्चर में मुनीब का रोल किया है। और मुनीब का जैसा कि रोल आप लोगों ने देखा है कि वो एक दूसरे को ये करते हैं, घर को फोड़ते हैं, तो घर फोड़ने वाले का भी घर फूटता है, जो जैसा करता है वैसे भरता है। तो इस पूरे पिक्चर में ये दिखाया गया है कि किस तरह से लोग गांव में होते हैं, चुगली करते हैं और एक दूसरे के घर को फोड़ते हैं। पर इस पिक्चर में जो हमने भैया जी का, मैं मुनीब हूँ, हीरा यादव जी और उनके भाई बलवंत यादव जी हैं, तो ये सब मिल करके इस पिक्चर को बहुत अच्छा बनाए हैं। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो रसीला जी हैं, उनका तो क्या, उनके बहुत सारे एल्बम में काम किया हूँ, पहले भी काम किया हूँ, और बहुत अच्छे इंसान, और बहुत अच्छा लगा इस पिक्चर में मेरा जो रोल शुरू से लास्ट तक है, तो अपने लिए बहुत फायदे की बात है इसमें पिक्चर आएगा तो सभी के लिए। जरूर ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इस पिक्चर को देखने जरूर आएँ, क्योंकि इस पिक्चर में गांव से जुड़े हुए लोगों के किस तरह से एक जमींदार लोगों को ये करता है, क्रश करता है, और यहाँ के प्रशासनिक विभाग है जो उस तरह से उस दबंगई को चुकना चूर करता है, तो इसके लिए ऑडियंस को जरूर कहेंगे कि वो देखने आए यहाँ पे। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, दबंग दरोगा भोजपुरी फिल्म है और इसमें अविनाश जी हैं, अंजना जी हैं और श्री कंकानी हैं और हमारे प्रोड्यूसर रसीला जी, इसमें काफ़ी मेहनत हो रही है। रसीला जी इसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, एक्चुअली शूट के दौरान काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग इसके बावजूद भी काफ़ी मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग सब लगे हुए हैं पूरे मेहनत से, हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है, जो लाइट से लेके हमारे आर्ट डायरेक्टर और जितने भी हैं कलाकार सब पूरे अपने सब योगदान दे रहे हैं। और इसमें हम लोग कुछ सीन में ग्राफिक्स एनिमेशन भी कर रहे हैं, जैसे कुछ शेर का है, शेर से फाइटिंग है, कुछ हेलीकॉप्टर का सीन है जिसमें ग्राफिक्स हो रहा है। यस यस ऑफकोर्स, हाँ बहुत बहुत बढ़िया VFX कर रहे हैं, शायद भोजपुरी में पहली बार होगा जो शेर नहीं है और शेर से फाइट होगा, और हेलीकॉप्टर भी नहीं है, हेलीकॉप्टर से उड़ा जाएगा, जो भी है काफ़ी चीज़ें हो रही हैं इसमें। और नो डाउट क्रिएटिविटी का क्या नया अंदाज देखने को मिला भोजपुरी में, क्योंकि आप साउथ से लेट कर चुके हैं काफी बार, तो वहां की तो आप देख चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या नयापन देखने को मिलेगा इस भोजपुरी में?
देखिए जो साउथ ठीक है, साउथ ठीक है, लेकिन हम भी उससे कम नहीं है। हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ है ये भी आज अच्छा काम कर रही है। काफ़ी मैं अगर अपने आप को छोड़ दूं, काफ़ी कैमरामैन है जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें जो हम करने वाले हैं, इसमें कलर जो दे रहे हैं हम कुछ अलग दे रहे हैं, और इसकी ब्लॉकिंग दे रहे हैं अलग। और नो डाउट इसमें डबल रोल है अविनाश जी का, डबल रोल इसमें कुछ डबल रोल के ऊपर भी ग्राफिक्स चल रहा है। जैसे दो अविनाश हैं, दोनों में फाइटिंग है क्लोज में, और फिर आपको बता ही चुका हूँ जैसे कि शेर का फाइट है, और ये है जो टोटल ग्राफिक्स है, काफ़ी ग्राफिक्स हो रहा है इसमें। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखे, और मैं ये कहना चाहूँगा जो भी जो कैमरामैन है वो अपने जो भी सिनेमाटोग्राफी अच्छा करें, और हर एक फिल्म में कुछ नया कुछ तरकीब दिखाएं, नया कुछ फोटोग्राफी करें। इसके बाद भी हम लोग काफ़ी फिल्में कर रहे हैं जिसमें कुछ अलग दे रहे हैं, एक में तो बिल्कुल कलर ही नहीं दे रहे हैं, सब अलग अलग जितनी मैं फिल्में कर रहा हूँ उस सब में अलग अलग होगा, देखने को लोगों को मिलेगा। थैंक यू। रुको, मत वास करो, वास मत करो, बीच में आएगा, फुल करना था एक ही बार। अभी